वेलकम जी, वेलकम टू बस कर। मैं हूं अली सलमान और हम आपके लिए लेके आए शो बस कर दे बस इनफ इज इनफ, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारा टैंट 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 टैंक किया हुआ है। वी आर क्रिएटिंग अ वॉइस फॉर ऑल ऑफ देम। दिस वॉइस जो आपको रातों को हॉन्ट करेगी, इनफ इज इनफ। और मेरे साथ मौजूद है मेरा ये बहुत प्यारा पैनल, यानी कि मिस्टर मूसी, मिस्टर शहजी एंड मैडम सीटी। आप लोगों को बताता चलो बिफोर आई इन्वाइट डॉक्टर साहब। पांच चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहे को बिल्ली खा गई, बाकी रह गए चार। चार चूहे जा रहे थे, बज रही थी बीन, एक चूहे को सांप ने डस लिया, बाकी रह गए तीन। याद तो आती होगी बाकी चार की? बिल्कुल याद है, आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ। इस साइज का चूहा अगर आपकी जिंदगी में आ गया तो फिर आपकी जिंदगी से हर चूहिया दूर चली जाएगी मेरे दोस्त। आज मैं आप लोगों से डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के बारे में गुफ्तगू करूंगा। उससे पहले खवातीन और हज़रात, मेरे साथ मेरे ऑनरेबल गेस्ट होस्ट या होस्ट गेस्ट, जिनकी लिखी हुई तहरीर के हम सब मद्दा हैं, जिनसे हम सब बहुत प्यार करते हैं। हमारी जिंदगी का डिलेमा यह है कि एज अ नेशन मिनहसुर कौम हमने पढ़ना छोड़ दिया हुआ है। बहुत बदकिस्मत होती है कौमें जो दो काम नहीं करती, एक अपनी आर्ट्स की कदर नहीं करती और दूसरा वो पढ़ना भूल जाती हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको शऊर मिलता है और शऊर के साथ आपको मिलता है डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। वी टॉक अबाउट दिस, बट प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। डॉक्टर साहब की शर्ट और तस्मीन की शर्ट आपस में मुस्कुराते हुए बातें कर रही हैं। अगर एक और ग्रीन शर्ट वाले साहिब या साहिबा होती तो आज बेंजामिन सिस्टर्स की याद में हम मुस्तफा से गाना भी सुनते। क्या टैलेंट था डॉक्टर साहब बेंजामिन सिस्टर्स, आपको याद है? जी, आजकल हमारी कौम दीवानी हुई भी नूरा सिस्टर्स के पीछे। आपने नूरा सिस्टर्स को सुना है कभी? नहीं, बस वहाँ नूर के अलावा हर चीज है। नूर से मुझे याद ये है। नूरा सिस्टर्स जो है वो है ना अपना काम पूरा। डॉक्टर साहब, मुल्क की जो मईशत है इस वक्त, कोई अजीब से हालात है। इसहाक डार साहब ने कहा था कि मैं डॉलर को वापस 200 पर ले आऊंगा, तो फिर क्या हुआ? दो तरीकों से ला सकते हैं। कैसे? एक तो ये करें कि अमरीका वालों को जाके कहें कि अपने डॉलर का नाम जो है रुपया कर दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अमरीका का वजीर खजाना इसहाक डार को लगा दिया जाए। वाह वाह वाह, डॉलर खुद ही नीचे आ जाएगा। इसहाक डार ने बोला था मैं डॉलर को 200 पे ले आऊंगा और इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व में 200 डॉलर ही बच गए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। मैं हैरान इस बात पर डॉक्टर साहब की वाई विल समबडी विद द लाइक ऑफ इमरान खान वॉन्ट टू हैव डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान उनकी स्पोक्स पर्सन हो? इमरान खान साहब जब अपनी स्पोक्स पर्सन सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें दो चीजें देखते हैं। एक देखते हैं कि इसको फिल्म दी कितनी गालियां आती हैं, दूसरा ये है कि बर वक्त दूसरे की ऐसी तैसी कर सकती है कि नहीं कर सकती। हर नाकामयाब आदमी अपने साथ एक डॉक्टर जरूर रखता है कि अपनी गलतियों का इल्जाम उस पर डाल दे। लेकिन मेरे डॉक्टर तो आप हैं, जबकि आपका मसला हकीम वाला था। कहते हैं कि आदमी जो होता है उसके बूढ़ा होने का तब पता चलता है जब उसके फोन नंबर में लड़कियों के नंबर कम और डॉक्टरों के नंबर ज्यादा हो जाए। वाह वाह, जिसके मोबाइल पे लड़कियों के नंबर हो ही ना, उसका क्या मतलब होता है? उसने सारे जो है ना लड़कियों के नंबर लड़कों के नाम पे फीड किए होंगे। मुस्तफा ये बताएं कि मतलब क्या इस वक्त हमारी पॉलिटिक्स इस नहज पे आ गई हुई है? वहां से राणा सनाउल्लाह साहब हैं, तलाल चौधरी हैं। व्हाई इज आवर पॉलिटिक्स गोइंग बियॉन्ड पेशेंस एंड टेम्परामेंट? मेरे ख्याल में जिस तरफ हालात जा रहे हैं और जिस तरीके की ये बातें आ रही हैं, खासतौर पर फैयाज़ुल हसन चौहान और शहबाज गिल की आपने बात की, मेरे ख्याल में 2-3 महीने बाद ये गंदी गंदी गालियां भी देने शुरू कर दी। लेकिन अब पता क्या लगता है डॉक्टर साहब, ऐसे हालात इस तरह के हो गए, अब शायद गंदी गालियां भी अच्छी लगी, बिकॉज जिस तरह ये गंदी वीडियोस का और ऑडियोस का सिलसिला लीकेज का शुरू है, डॉक्टर साहब तो लग रहा है कि हम एक तूफान बदतमीजी की जानिब गामज़ हैं। 4 बजे तो आप भी भेज रहे थे, मैंने देखी। लेकिन वो अपनी भी भेज रहा था। यही पूरा जो है ना सेटअप में आ गया हुआ है। हमें जब तक गाली ना हो, जब तक लाउड ना हो, तसल्ली नहीं होती। और लोग तो कहते हैं कि शहबाज़ गिल अगर इसी तरह तरक्की करता रहा तो बड़ा होके एतज़ाज़ अहसन बनेगा। एतज़ाज़ अहसन ने जिस दिन ये सुन लिया या खुद को मार देंगे या आपको मुझे ढूंढते हुए इधर तक आ जाएंगे। मैं आपको बता, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था एक तो हमारे अंदर सब्र कम हुआ है, दूसरा गालियों की विकैब भी बहुत कम हुई है। नहीं नहीं, वोकैबुलरी तो बहुत बढ़ गई, नई नई गालियां और नए नए फ्लेवर की गालियां आ रही हैं। अब पूछा जाता है किस फ्लेवर की गाली दे। ये तो घर वाली गुफ्तगू तो चलती रहेगी, हमारे मेहमान आ गए तो जो परमिशन हम कॉल है उनसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन लोगों को आप जानते हैं, जिनके साथ आपकी उनसियत होती है, जिनके साथ आपका एक एसोसिएशन होती है, दिल का रिश्ता होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस देम बिकॉज यू नो देम सो क्लोजली
बट आई हैव स्पेंड सम टाइम विद हिम और एक मूवमेंट थी जो आज से 20-25 साल पहले पाकिस्तान में शुरू हुई जो फिनोमेना बन गई हुई है. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मिस्टर इमरान इस्माइल. थैंक यू वेरी मच. राबी आपकी एसोसिएशन कितनी पुरानी है खान साहब के साथ? 1993. और ये सारी शुरू होती है शौकत खानम की चैरिटी एंड उसके साथ या इट्स अ फ्रेंडशिप? बस वर्ल्ड कप के बाद से मैं खान साहब को मिला था इत्तेफाक से और फिर उनके साथ शौकत खानम की चैरिटी में मैं काम किया. फिर उन्होंने मुझे एक कराची का इनका हेड बनाया शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग और सारी चीज. उसके बाद से खान साहब के साथ एफिलिएशन बॉन्डिंग पक्की होती थी. वर्ल्ड कप से पहले आपने जान के इसलिए नहीं रखी खान साहब के साथ कि क्रिकेट ना खिला दें? हार गए थे. क्रिकेट खेली? हाँ, लेकिन मैं कभी क्लब लेवल पे या उस पर नहीं खेला. सिर्फ हमारे गली मोहल्ले में नहीं क्रिकेट होती. वो जो आपके कपड़ों से चार गोलियां मिली थी वो वाकई मिली थी या खान साहब ने ऐसे ही बोल दिया या कोई पैनडोल का पत्ता निकला था? मैं खान साहब के साथ खड़ा हुआ था. बिल्कुल उमर माहिर हमारा जो सियालकोट का है ना वो आया. उसने कहा मुझे 5 मिनट खड़े होने दो. उमर को मैंने साथ खड़ा किया, मैं पीछे हूँ, उसी वक्त फायरिंग हुई. वो उमर को लगी, दो पेट में उमर को लगी, खान साहब को लगी, सारों को. अब मैं अब सेकेंड लाइन. जब हम गिरे ना नीचे तो मैंने ऐसे जब हाथ नीचे कंटेनर पे रखा तो मैंने उठाया तो खून लगा हुआ था. तो आई थॉट मुझे लगी है. जब अल्लाह की तरफ से मिरेकल हो गया. लेकिन डॉक्टर साहब आपकी जुबान में बड़ी हमारा बट बड़ा लोगों ने मीम्स बनाई. ओफ वो 3-4 दिन तो जिंदगी आराम हो गई थी. हर आदमी जो है ना वो क्या यार माइंड ना कर तो एक वो भेजो. एक बड़ा मजे का है. मेरा दिल कर रहा था कि मैं ट्वीट कर दूंगी, मैं माइंड नहीं कर रहा जितनी भेजनी. खासतौर पर जो साहब सामने राइट पे बैठे हैं जो खान साहब को देख के वी हैव ग्रोन अप ऑल स्ट्रक बाय हिम, वो ऑरा जब आप इतने करीब से जाके देखते हैं इज इट इवन बिगर? इट्स मच बिगर देन व्हाट वी थिंक ऑफ. इमरान भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग एज यू सी आपके जो दौरे हुकूमत के 4 साल थे? बुरे हालात थे इकॉनमी के, लेकिन संभाल लिया था. पाकिस्तान वॉज ऑन द राइट ट्रैक. ओके, हमारी एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो गई थी. 36% ग्रोथ आ गई थी एक्सपोर्ट्स में. आज हम -5% पे बैठे हैं एक्सपोर्ट्स में. तो आप क्या कह रहे थे? सर वो इलेक्ट होने से पहले जो है खान साहब कहते थे कि फला मुल्क का पीएम जो है वो साइकिल पे जाता है. तो जब खान साहब वजीर आजम बन गए तो वो जो साइकिल थी वो हेलीकॉप्टर के अंदर रखी हुई थी. उनका ख्याल ये था कि जब वो रोड पे निकलते हैं तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हैं और लोगों को बहुत तकलीफ होती है. एंड वी वर ऑल्सो प्लानिंग कि हम ये जो चीजें हैं किराए पे चला दें इनको. तो करीम से बात की आप लोगों ने? अच्छा, ये तो खैर बातचीत चलती रहेगी. हमारे शो के मुख्तलिफ सेगमेंट हैं जो डॉक्टर यूनुस साहब ने डिजाइन किए हैं. वी टेक यू टू द फर्स्ट सेगमेंट. इसका नाम है बोलती तस्वीरें. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पिक्चर. प्लीज पहली तस्वीर लगाएं. इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, शादी पे दुल्हा ने गदा जो है ना वो उसको गिफ्ट किया है बेगम को. बेगम को तो गदा भी यही सोच रहा है. अब ये होगा ना कि जब भी वो कोई गदा देखेगी उसको अपना खामन याद आएगा. जी तदमीन, यू वांट टू? ओके, सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए एक तो गधा होना ही चाहिए. Okay. अच्छा, लाहौर में मैंने देखा है दुम्बे के ऊपर भी ईद मुबारक लिखा होता है. डॉक्टर साहब आप तो रहते हैं लाहौर में, मैंने एक को खैर मुबारक भी कहा है. जी दूसरा लगाए. जी डॉक्टर साहब, ये कौन है और ये क्या है? मेरे ख्याल फवाद चौधरी साहब से वो पूछ रहे हैं. हाँ. कि आप देखे देखे लग रहे हैं. और वो कह रहे हैं कि हाँ वो मैं हर हुकूमत में मैं वजीर होता हूँ ना इसलिए देखा देखा लग रहा है. नाम इनके लंबे होते हैं ना अरबों के. तो हो सकता है फवाद भाई पूछ रहे हो इनसे कि सुना है शेख अयान बिन नयान में से कोई एक मर गया. कह रहे हैं यहाँ की सारी पार्टियों में तो नौकरी कर ली, आपकी यहाँ जगह है तो बताएं. मुझे लग रहा है दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं. हालांकि ये सऊदी अरब से आए. ये कहाँ की तस्वीर है और ये क्या है? ये हमारे सदर की तस्वीर है. ओके, जो मोहम्मद बिन सलमान उस दिन की तस्वीर डिनर की. इमरान भाई ये तस्वीर देखें, इस तस्वीर के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं. डॉक्टर साहब आप बताएं, बल्कि ये आपको क्या लग रहा है? मियां साहब देख के तो लग रहा है कि मियां साहब पूछ रहे हैं कि खान साहब मुझे मिलकर शर्मा रहे हैं या शर्मिंदा हो रहे हैं. मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं खान साहब को कि यार ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाला हैशटैग तो हटवा. मैं तो निकाला गया हूँ
तेरी बारी भी आएगी। मेरे ख्याल से पार्टी ज्वाइन करने की इनविटेशन दे। इन रियलिटी ये वर्ल्ड कप की तस्वीर है, वर्ल्ड कप के बाद की तस्वीर है, बिफोर करी के इंसाफ, क्योंकि उसके बाद तो इस तरह खान साहब को भी मिले ही नहीं। रान भाई आप कह रहे लोग निकलते हैं बट 22 गोलियां चली आप लोग कंटेनर पे थे, आवाम क्यों नहीं निकली उसके बाद? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो कभी भी वायलेंट पार्टी रही नहीं, तो इसी वजह से आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में जो आपको लोगों का पार्टिसिपेशन मिलता है वो आपको जो प्रोटेस्ट और सारी चीजें होती हैं रोड मार्चेस उसमें उस तरह का आपको नहीं मिलता। बिकॉज फवाद चौधरी ने बोला था बदला लो, फिर भी कोई निकला ही नहीं, बाहर ही नहीं आया। बदला किसे लेना है, गोलियां चलानी रोड पे। खान साहब ने खुद अस्पताल से बयान दिया था कि कोई घेराव जलाव नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली शो ऑफ स्ट्रेंथ का तरीका कार ये रह गया कि कितने वायलेंट आप होते हैं। साहब हमारे लीडर पे हमला हो गया, 500 बसें जला दीजिए हमने। हमारे यहाँ 20 प्रोटेस्ट होते हैं लेकिन वो 20 जो होते हैं वो प्रोटेस्ट वाले नहीं। जी अगली तस्वीर दिखाएं। ये इमरान इस्माइल साहब स्पेस मिशन का ऐलान कर रहे हैं। ये क्या है मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं कि हम आज ऐड करते हैं कि यार जब हम एक दूसरे से टाइम पूछ सकते हैं तो घड़ी की क्या जरूरत है। दूर से तो नजर नहीं आ रहा, लग रहा है फवाद चौधरी के सर पे लाइट जला के सबने हाथ रखा। लेकिन आप मजे की बात, तो शुक्र है इमरान भाई उस पार्टी में नहीं ना 0044 पे कॉल पे रात को अटेंडेंस लगवानी पड़ती थी जाके। तो इमरान भाई शुक्र है ये पीटीआई में ये नहीं है ना। नहीं बिल्कुल नहीं जी। तस्मीन बताएं। लग ये रहा है कि सब कह रहे हैं हम सब साथ साथ। हम सब बकौल डॉक्टर साहब की उम्मीद से। नाभी वैसे इन रियलिटी क्या है, इस मून मिशन था ये? नहीं आईटी का प्रोजेक्ट कोई लॉन्च किया था तो वो खालिद मकबूल सिद्दीकी क्योंकि आईटी मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये जो इनॉग्रेशन थी उसका नया तरीका निकाला था कि आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो चल जाएगा और स्क्रीन ऑन हो जाएंगे वो सारा। Was it a good experience? You learned from it? You going to repeat the same mistakes in the... ये बहुत बेचारे हैं। बेचारे हैं। मुझे याद है जब नो कॉन्फिडेंस मूव का हो रहा था तो लास्ट मेरी मुलाकात इनसे हुई थी, फवाद चौधरी भी था, मैं था और ये था अली जैदी। हम गए तो उन्होंने कहा कि जी हमें सिंध की गवर्नरशिप चाहिए और मिनिस्ट्री चाहिए इनकी, अली जैदी और इम्पोर्टेंटशिप। तो हम दोनों ने कहा ठीक है ले लें आप, कोई मसला नहीं। तो थोड़ी देर में उठ के ना वो बेचैनी से खालिद मकबूल से देखिए और टहलने लगे कि यार ये भी मान गए तो अभी क्या करें, अब रवाना करने के लिए क्या करें। तो मैं फिर उठ के गया अकेला उनके पास, मैंने कहा खालिद भाई यार असल प्रॉब्लम बताओ ना क्या। कहले इमरान भाई ये सब तो जिमनी बातें हैं, एक फोन करवा दें। शहबाज के टीवी पे वो बातें कर जाते हैं तो प्राइवेट में क्या बातें करते हैं? प्राइवेट वाली बातें टीवी पर नहीं कर सकते। लोगों को एडवाइजर मरवाते हैं वैसे, प्लीज डोंट टेक अस रॉन्ग। गिल साहब या फैजुल हसन चौहान या फिर दौस आशिक अवान, ये कोई आपका मैच होता है दूसरी पार्टी के साथ या ये चुन के खान साहब नगीने ढूंढते हैं? जो तूफान बदतमीजी उधर से होता था ये इसको करता था और कई दफा थोड़ा सा ओवर बोर्ड भी हो जाता था लेकिन गिल ने अच्छा उनको सुन के रखा था। मैं जितना आपको जानता था एंड जितना मैंने आपका टेन्योर फॉलो किया, मेरा ख्याल इशरतुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस मैंने आपकी देखी थी। तो जो स्टेप डाउन करने का डिसीजन था ये इमोशनल था, मॉरल था, एथिकल था, पार्टी प्रेशर था, क्या था? नहीं देयर वाज नो पार्टी प्रेशर, बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि जब मैं रिजाइन करके वापस खान साहब के पास गया तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें रिजाइन करने की। द थिंग इज के आई डिडंट वांट टू रिसीव शहबाज शरीफ वजीर आजम के तौर से कि वो आए सिंध में और एज गवर्नर में उनको रिसीव करूं, ये मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा था। आप एक अच्छा मतलब जाहिर आपने सर्व किया एज गवर्नर, लेकिन आप सिंगर भी अच्छे थे तो अगर करने को कोई काम नहीं था तो कॉन्सर्ट क्यों नहीं किया आपने? थे क्या मैं? नहीं मतलब लेकिन मुझे हमेशा मेरी बीवी ने कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत खराब है। खराब है एंड डोंट यू हमेशा पूरा खानदान मुझे उनका कभी तुम ट्राई ना करना गाना गाने का। तो मैं एक जमाने में कन्विंस हो गया था कि मेरी आवाज बड़ी खराब है मुझे नहीं गाना चाहिए। But then we tried this, so yeah, it was a super hit. एक हमने जिस चीज के ऊपर हम सारे इमोशनली बड़े कनेक्टेड थे डॉक्टर साहब वो ये था कि तमाम गवर्नर हाउस सीएम हाउसेज इनमें यूनिवर्सिटीज बनेंगी वो बनेंगी, ये 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 क्यों नहीं हुआ फिर साहब? जब मैं गवर्नर बना मैंने कहा मुझे बताओ कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो 570 लोग काम करते हैं फॉर वन मैन इन दिस पूर कंट्री जिसके पास अथॉरिटी कोई सच नहीं है, एग्जीक्यूशन की एग्जीक्यूटिव पावर्स कोई नहीं है। बट दिस इज क्राइम, क्रिमिनल। मैंने खुद मुराद अली शाह से कई बार बात की कि हम
लेट्स मेक अ बिग प्लान किसको हम पब्लिक यूटिलिटी के लिए कन्वर्ट कर दें. बट ये प्रॉपर्टी थी सिंध गवर्नमेंट राइट, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया. इन्होंने कहा जी कोई नथिंग डूइंग, कुछ नहीं कर सकते. तो गवर्नर हाउस आप कपल्स के लिए तो खोल देंगे शाम में, डेटे लगते लग जाए, कोई तो यूनिवर्सिटी चले वहाँ. अच्छा, जो मैं कर सकते थे ना मैंने किया. मैंने गवर्नर हाउस खोल दिया था. तो गेट मैंने खोल दिया, इसको तो कोई नहीं रोक सकता. डेटे तो मैंने मारी वहाँ. ऐसे छोड़ो है इसके साथ. पुलिस भी आते थे बोलते थे रोक सको तो रोक लो. तुम्हारे वैसे अभी पाकिस्तान में लड़कियों को इतना बुरा वक्त नहीं है. लम्स का लगता नहीं. ये निकाला गया था, ये वहां से इवानी सिर्फ लम्स से नहीं निकाले गए थे, ये न्यूयॉर्क से भी डिपोर्ट हुआ. मैं तो आज ही मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मुझे लम्स में एडमिशन करा दे किसी को. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट मनाबी वो ये है, हम आपको जवाब बताएंगे और हम आपसे पूछेंगे सवाल क्या है. तो मैं जवाब बता रहा हूँ जी. जवाब है पहली. क्या सवाल है? वो इस जमायमा भाभी. मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो मतलब हमने तो एक देखा था कि पार्टी लीडर थे, उसके बाद जब आंखें बंद करके सुनो तो फैसल जावेद साहब भी इमरान खान है और अली जैदी भी, तो ज्यादा अच्छा इन दोनों में से कौन है? महीना किस तारीख से शुरू होता है? दूसरी शादी करने के लिए क्या जरूरी है? दूसरी शादी करने के लिए क्या जरूरी है? फवाद चौधरी किस पार्टी में जाएंगे? भाई फवाद को माफ, पहली पहली में अपनी पहली पार्टी में. जी डॉक्टर साहब, इसका सही जवाब यह है कि इमरान भाई मेरे वालिद और मेरी जोजा मुकदमा की तरह पहली जनवरी को पैदा हुए. इमरान भाई चले, आप क्या ख्याल में जिस सवाल का जवाब पहली हो उसका सवाल क्या होना चाहिए? ये आपकी दूसरी बेगम है. हमारी ख्वाहिशें तो चार ही हैं लेकिन जवाब है पहली. पहली. आप लोगों ने एजुकेशन के लिए क्या मेजर माइलस्टोन से जो चार पांच साल में लिए थे? पाकिस्तान तीन सिलेबस में डिवाइडेड है, एक मदरसा, एक इंग्लिश मीडियम और एक उर्दू मीडियम. और ये तीनों आपस में मिल ही नहीं सकते. तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो माली का बेटा माली, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर. ये नहीं हो सकता कि माली का बेटा जो है वो पायलट बन जाए. ये कोई एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में प्रोवाइड नहीं कर रहा, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे आप. अली का बेटा इसलिए ब्रिलियंट है कि आपने बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया, माली के बेटे को चांस ही नहीं मिला. आप लम्स की मिसाल ले लें या IBA की मिसाल. मुझे बताएं कि आपके घर का जो ड्राइवर है उसका बेटा लम्स कब जाएगा? लम्स की फीस जितनी है उतनी तो आम आदमी की तनख्वाह नहीं है. ये लम्स का स्टूडेंट बैठा, ये जवाब दे. मैं सैयद बाबर अली को क्रेडिट दूंगा कि लम्स में मोर देन 50% फाइनेंशियल एड पे होते हैं. और मैं जब लम्स में था, सिक्योरिटी गार्ड जो लम्स के गेट पे खड़ा होता था, बच्चा पढ़ता था, बेटी को लम्स में एडमिशन मिला था और हमारे साथ पढ़ती थी. नहीं, मैंने सवाल किसी वजह से किया, पता है ये वन ऑफ चीज है ना. एक क्वेश्चन मेरा कि आपकी पार्टी में जो खवातीन हैं वो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी या उनके गुड लुक्स की वजह से आती है या एक्चुअली दे आर कंसर्न्ड अबाउट दिस कंट्री? ये तो आपको शिरीन मजारी से पूछना चाहिए. यही बता सके आपके क्या ख्याल आते हैं इस बात? नहीं, ऑफ कोर्स वो गुड लुक्स की वजह से नहीं है. तो उन्होंने खवातीन ने हमारे साथ बड़ा स्ट्रगल किया है, जेलें गई हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, रोडों पर उन्होंने मार्चेस किए हैं और पूरा उन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया. सो ये खाली गुड लुक्स के ऊपर नहीं चलता, लेकिन ये बट दी आइडिया जो खान साहब आइडिया सारी कॉम को देते हैं ना. अच्छा, मैं अभी द नेक्स्ट सेगमेंट इज म्यूजिक. म्यूजिक के गाना प्ले करेंगे, गाने के अंदर किसी भी वर्ड को हमने म्यूट किया होगा, तो गेस करना है कि वो म्यूटेड वर्ड क्या है. प्ले करें जी सॉन्ग. मैं पंजाबी थोड़ा सा आसान कर दूं. नसीबो लाल गारी है, डब्बा देना लड़ लड़ के लबियां अपनी डैड. क्या लबियां? इमरान भाई तुम्हारे म्यूजिक में तो हम नहीं, ये यार ये इसके बाद जो आपने गाना चलाना है ना उससे पहले मुझे डर जाने.
शहबाज शरीफ गाना गाए और मैं बैठ के सुनू, ये नहीं होता। सियासतदान में बर्दाश्त हो जाएगी, इसके बाद आपका आपका भी गाना है, हम भी बर्दाश्त करेंगे। नहीं, ये चले, आपने आपने शुरू में इसको किल कर दिया, तो ये आपको नसीबो लाल की वजह से ये लफ्ज याद था, ये गाने की वजह से आपको ये लफ्ज याद था? नहीं, तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, गाना 100 बार सुने तो वैसे ही। गाना 100 बार सुना है, फोक स्टूडियो का बहुत ही ज्यादा फेमस गाना है, और मैंने सुना है इमरान खान साहब को भी ये शो बहुत पसंद है, फोक स्टूडियो वाला। हाँ जी, ये क्या था नसीबो लाल, क्या मांग रही है? ये कह रही थी गामा गामा गामा। नसीबो को देख के जो है वो जहन में गामा ही आता। लबियां अपनी घड़ियां, अपनी अगर होना कोई चीज उसका कोई कुछ भी कर ले, कोई टेंशन। तुम हमेशा हर शो में चाहते हो कि तुम्हारा घर पहुंचना मशकूक ही रहे। जी, थोड़ी सी पंजाबी मेरी कमजोर है, तो थोड़ी सी आप ट्रांसलेशन कर दे मेरे लिए। लबियां अपनी दे नाल लड़ लड़ के, लबियां अपनियां वो डैश, कहती कि धूप जो है ना, धूप के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई की तो फिर मुझे धूप के अपोजिट क्या होता है, वो छांव मिली। आपको छांव मिली, इमरान भाई ने जवाब दिया छांव छांव, ठीक हो गया। नेक्स्ट प्ले करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे शहबाज शरीफ क्या कर रहे थे, तो मैं आपसे कहूंगा आपको लग रहा होगा कि मैं भीख मांगने आया। क्या कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब? उनकी जो लाइन है वो ये कह रहे होंगे अकेले ना जाना पीडीएम को छोड़कर। जी, उसके बाद अकेले ना जाना डैश छोड़कर, कशकोलें छोड़कर, कशकोलें छोड़कर नहीं आया हूँ मैं मांगने आया। मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब रात में जब सोते होंगे ना, कोई भी नहीं होता होगा, तो जब नींद से पहले भी अकेले अपने आप से बातें करते होंगे। परी आई, परी आई। अगर तो ये वक्त की मुनासिबत से गा रहे हैं तो होगा अकेले ना जाना हमें सेलेक्ट करके, तो मार्फत की बातें। अकेले ना जाना पार्टी छोड़ कर तो, लेकिन ये वो दूसरी वाली पार्टी कह रही है। मैं पॉलिटिकल पार्टी कह रहा हूँ। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? पाकिस्तान है ना। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब मैं भी क्वालिफाई कर सकता हूँ फिर? नहीं नहीं, इतना भी नहीं बुरा। नहीं, अभी ये है, क्या हो गया दिल पे? यार लाने वालों की बात हो रही है, मतलब लाहौर में एक मोहल्ले का सदर आपको बना सकते हैं। नहीं, वो दोबारा तो मैं नहीं बनूंगा ना। ये भी उम्मीद से है। आप बता दे फिर हम आगे। हमें छोड़ कर इतना आसान था। आपने अब जो गाना है वो रामी हम सबका फेवरेट है, यू गोना एंजॉय इट बाय द वे। लगाएं जी। रोक लो तो रोक लो, आई रे आई रे आई रे। ये नाटक पाकिस्तान के दो फिनोमेनाज हैं जो इतने इतने बच्चों को भी पता है। एक उसका नाम है ड्रामा बुलबुल और एक ये गाना। इसलिए हम आपसे तो पूछे ही नहीं, रोक सको तो रोक लो, क्या आया? हुकूमत आई रही, हुकूमत आई रही, आने वाली है जी, तो तब्दीली आई रही। मैम, नेक्स्ट वाला जो लास्ट है ये अब आपका फेवरेट होगा। कभी गलत बात नहीं की हमने, कभी नहीं की हमने, हमेशा लोगों की मदद। अदी ने फरमाया कि हमने कभी डैश नहीं की, ईमानदारी, कभी ईमानदारी नहीं की। ठीक हो गया, आपने मुझे जान भी इसलिए रुकवाया था। आगे बताएं, आप बताएं। हमने कभी तरक्की नहीं की, प्रमोशन नहीं की, हमने कभी पढ़ाई नहीं की, हमने कभी सच्चाई नहीं की। अब आप इमरान भाई का क्लोजअप लें, क्योंकि मैं जवाब बताने वाला हूँ। इनके एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, हमने कभी करप्शन नहीं किया। सुनने में आता है, ये लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब बहुत ही ईगो ड्रिवन इंसान है, इज इट ट्रू, क्या ये सच है? नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग, वेरी डाउन टू अर्थ, इज अ शाय पर्सन। वो बहुत ज्यादा पब्लिक का आदमी नहीं है कि वो हर जगह बैठे कुल मिल जाए। उसको लस्ट पर मनी नहीं है, उसको जायदाद बनाने का शौक नहीं है, लेकिन ही फील्स फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो कुछ कर रहे हैं वो लोगों के लिए। रामवीर, मैं कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लूंगा, आपने सिर्फ एक वर्ड बोलना है उनके बारे में। जरदारी साहब, बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं, वो चल नहीं सकता टीवी पे। बोल दे, हम बीप लगा देंगे, फिर हम जरदारी साहब से कहेंगे आप गेस करें इमरान इस्माइल ने इस लाइन के बाद क्या बोला। तुम्हें इज अ नाकाम पॉलिटिशियन। ओके, मरियम नवाज चोर, फजल रहमान मौलाना के अलावा कुछ भी, एतजाज वंडरफुल पर्सन, अल्ताफ हुसैन साहब,
मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल पास चली गई गोली। साकिब निसार, उम्मीदें बहुत थी, और जो अभी चले गए उनसे भी उम्मीदें थी और जो बैठे हुए उनसे भी उम्मीदें हैं। हमें उनसे क्यों उम्मीदें हैं? हमें अपने आप से, अपने पॉलिटिकल सिस्टम तो से। आप पिछले चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। आप बिग बी की बात कर रहे हैं। हम खवतीन आजाद यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, क्योंकि अगर मैंने ब्रेक नहीं ली तो इमरान भाई तो चले जाएंगे। मैं फड़िया जामांगा शेख जस्टिस की बात। ब्रेक मैं वली सलमान और हमने आज मोबाइल कोर्ट में दावत दी है जनाब इमरान इस्माइल साहब को, एंड आई एम वेरी लकी बिकॉज मेरे पैनल के साथ और ऑनरेबल जज साहब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अकबर साहब। अकबर भाई जो है वो मेरे और इमरान भाई के कॉमन दोस्त हैं, एंड इज वेरी वेरी डेयर टू इमरान साहब एंड माई सेल्फ। और अकबर भाई थैंक यू, वी जेन्युइनली वांटेड यू टू बी हियर, बिकॉज जब हम इमरान साहब से सवाल पूछेंगे तो जितने अच्छे तरीके से आप इमरान भाई को जानते हैं, सुना है कि भाभी भी शायद उतना अच्छा नहीं जानती, तो हम चाहेंगे आप हमें बीच में इंटरवीन करें, इंटरफेयर करें, रोकें और करेक्ट कर दीजिएगा। इमरान भाई हम आपसे हरगिज ये नहीं कहेंगे कि हम आपको कहते हैं कि आप हल्प उठाएं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन और वकील तो सिर्फ और सिर्फ सच ही कहते हैं। आपको आसानी के लिए वकीले सफाई दी है, आपके पास दो ऑप्शन है, या वकीले सफाई हम आपको हसीन दे दें या वकीले सफाई जहीन दे दें। पहला ऑप्शन हमने आपके सामने रख दिया, आप बताएं फिर हम आपसे सवाल करेंगे। ऑप्शन ए ठीक है। हमने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, माय लॉर्ड सवाल करने की इजाजत है। इजाजत, इजाजत। इमरान साहब आप पर इल्जाम ये है कि आप झूठ बिल्कुल नहीं बोलते। कोशिश करता हूँ। तकासा से मेरा ये सवाल है कि कोई शादीशुदा आदमी ऐसा है जो झूठ नहीं बोलता? मेरे मौकिल भी शादीशुदा हैं। आप मेरे साथ हैं खिलाफ? सर आप पर इल्जाम यह है कि 1997 के इलेक्शन में जब आप और पीटीआई बुरे तरीके से हारे तो आपने नकाब करना शुरू कर दिया। प्री कोविड प्रेपरेशन? नहीं नहीं, लेकिन उस जमाने में लोग मजाक उड़ाते थे, कब गवर्नमेंट आ रही है, कब तुम्हारी मूवमेंट चलेगी, तरीके साहब कहाँ गई, तो मुश्किल होती थी पब्लिक में जाना। ये इल्जाम गलत है कि ये बुरी तरह हारे थे। ये बुरी तरह नहीं हारे थे, ये अच्छी तरह हारे थे। भाई वो जहीन वाली को भेज दे। सर आप पर इल्जाम यह है कि सिंध का गवर्नर बनाने में सबसे ज्यादा रोल एक टैक्सी ड्राइवर का था। ये वो टैक्सी ड्राइवर था जो फ्लाइट लेट होने पर लाहौर घुमाने की बजाय आपको इमरान खान साहब के पास ले गया। अगर आप रक्षे पर बैठते तो रक्षा वाले ने तो आपको जवाद अहमद के घर ले जाना था। हो सकता सदर पाकिस्तान बना दे। इब्राहिम साहब को सुनने वाले इतनी दाद नहीं देते जितनी जगात देते हैं। इल्जाम ये कि गाना गाने पर आपको हजारों डॉलर मिलने वाले थे मगर आपने लेना दोबारा नहीं किया। नहीं, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, लेकिन एक्चुअली मेरी इग्नोरेंस थी, मुझे पता ही नहीं था कि YouTube चैनल बना के उस पर डालना है तो उसमें पैसे आते हैं। बट anyway. चंद हजार डॉलर मेरे मौकल के लिए पीनट्स हैं। इन्हें चेंज मुल्क में पसंद है, जेब में नहीं। इमरान इस्माइल है, इमरान रियाज नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। इमरान भाई 2018 के इलेक्शन फेयर एंड फ्री थे या फेयर एंड लवली थे? आई वुड नॉट से फेयर, फ्री एंड फेयर थे। उसमें कर्व किया गया, कई सीटें हमारे नहीं मिली, लेकिन the result was lovely. My lord, election free थे और फ्री में मेरे क्लाइंट को अक्सरियत भी मिल गई। मुझे फ्री की चीजें पसंद है। सर आप पर इल्जाम यह कि आपकी हुकूमत ने मुल्क को आम बंदे के फायदे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए, जैसे लंगर खाने, पब्लिक टॉयलेट, हेल्थ कार्ड। यस आई एक्सेप्ट ये इल्जाम के, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। देखिए अब एटलीस्ट लंगर खाने लगाने से भूखों को खाना तो मिलता है, साथ ही मजार लगा देते हैं तो सेल्फ फाइनेंस स्कीम भी बन जाती है। आप पर इल्जाम ये कि आप बहुत तालीम याफ्ता हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। गलत है। तालीम याफ्ता तो तलाल चौधरी और शहबाज गिल भी हैं, पर वो बात अलग है कि वो लगते नहीं है। मेरे मौकल बहुत ही आला तालीम याफ्ता हैं, उतनी ही तालीम हासिल की जितनी हमारे वजीर तालीम को है। आप पर इल्जाम यह है कि आपके कपड़ों से चार गोलियां निकली, हो सकता है इसलिए निकली हो कि इस्लाम में चार से ज्यादा की इजाजत नहीं। एक गोली एक के लिए। सही कह रहे हैं। हाँ? हो सकता है इस्लामाबाद से उन्हें चार गोलियों से ज्यादा की गुंजाइश ना दी गई। अच्छा सर, आपका खालें इकट्ठी करने का एमक्यूएम से मुकाबला था, वो तो इतने एक्सपर्ट हैं, जिंदा बकरे की खाल उतार जाते हैं, बकरा खड़ा रह जाता है, उनसे मुकाबला कैसे जीते? मैंने शायद 50 के साल के करीब सुजुकियां हायर की थी और मैं सोच रहा था कि इसका होगा क्या, बट अगर मैं उस दिन 5,000 सुजुकी भी हायर करता ना तो कम पड़ती। तो
तो उसके बाद आप घर कितने लोगों के हसार में पहुंचे और वो खाले कहाँ पहुंचे? ये उनके बंदों को पैसे देते थे कि हमारे लिए खाले इकट्ठी करें। ओके इमरान भाई, आप पर अगला इल्जाम है कि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, तो आपका पहला प्रोजेक्ट था बिलावल हाउस के इर्द गिर्द खड़ी सिक्योरिटी वॉल को गिराना, वो नहीं गिरा पाए आप, क्यों? इसको गिराने के लिए कोर्ट से परमिशन चाहिए। मेरे मौकल दिन को दीवार गिराते थे और रातों रात पीपीपी के लोग वापस दीवार खड़ी कर देते थे, इसमें इनका क्या कॉल? मौकल रखो भाई, वो मौकल होंगे या किसी आप पर नेक्स्ट एलिगेशन ये है कि आप सिंगर भी हैं। I'm not sure. एक गाना गाया बस। लता ने कहा कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है, लेकिन मेरे मौकल के गले में कप्तान बोलता है। इमरान साहब, आप पर इल्जाम ये कि गवर्नर सिंह से ज्यादा तो मेयर कराची के पास अख्तियार है, वो कचरा तो उठा सकता था, आप तो वो भी नहीं उठवा सके। तो गवर्नर का तो खैर कचरे से काम नहीं, हमें सियासी कचरा साफ करने के लिए। तो मेरे क्लाइंट गवर्नर हाउस से निकलते वक्त ऐसे खुश थे जैसे उन्हें वहाँ से रिहाई मिल गई हो। इमरान साहब, आप पर अगला एलिगेशन है, बताओ लाइसा खिलवी ने गाना गाया बनेगा नया पाकिस्तान, उसमें इतना डर था तभी लग रहा था कि पूरा नहीं बनेगा। फिर आप पर इल्जाम ये है कि आपने नए पाकिस्तान बनाने के लिए साथ वो पुराने बंदे शेख रशीद साहब जैसे ले लिए जो नए सोफे पर बैठे हो, तो वो सोफा पुराना लगने लगा। इस वक्त मैं आपसे समझता हूँ कि इमरान खान के करीबी साथियों में शुमार होते हैं और वो ही इज डूइंग गुड सो फार। इज ही अ रॉक एज वेल? यस। नया पाकिस्तान बनाने के लिए पुराना पाकिस्तान गिराना पड़ता, अब पुराने पाकिस्तान के ऊपर नया पाकिस्तान बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा ना। इमरान साहब, आजकल हर कोई कहता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी घड़ी मेरी मर्जी, अगर जानवरों ने कह दिया मेरी खाल मेरी मर्जी तो फिर क्या होगा? मर्जी उनकी, वाकई उनकी खाल। जानवर कुछ भी कह सकते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। जानवर न्यूट्रल होते हैं। आप पर इल्जाम यह कि आपने इंसानों को नहीं जानवरों को भी हकूक दिए, बिलखसूस कुत्तों को। व्हाइट हाउस में खातून अव्वल और कुत्ता अव्वल को जो काम मिलता है वो आपने पाकिस्तान में दिया। ये मेरी वकील इसका जवाब देगी। देखें, इन्होंने कुत्तों को भी बहुत अवेयरनेस दी। गाड़ी में बैठने से पहले इनका कुत्ता चेक करता है कौन सा मॉडल है, फिर ही बैठता है। सर, आप गाते भी हैं और पकाते भी हैं, पर गा रहे हैं तो क्यों लगता है कि कुछ पका रहे हैं? मुझे शौक है दोनों का। अब जिनका आइडियल सिंगर मेहदी हसन होगा तो उनका गाना पक्का ही होगा ना। इमरान भाई, कोरोना के दिनों में जिसे कोरोना होता था वो अपने दुश्मनों की लिस्टें बनाता था ताकि उनको जफियां डाले, आपको किन्होंने जफियां डाल के कोरोना किया? बिकॉज आई रिमेम्बर यू वर ऑल्सो सफरिंग विद कोविड। मुझे तो अर्ली डेज में कोविड हो गया था, उस वक्त वो कोरोना जो था वो डेथ वारंट था। मेरे मौकल को इमरान खान ने कहा था कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, इसीलिए वो कोरोना से लड़ने के लिए गली गली जा पहुंचे। इससे पहले जज साहब, हम आपका फाइनल जजमेंट लेना चाहूंगा। अकबर भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अकबर भाई, हमने फॉर्मर गवर्नर साहब से कुछ सवाल पूछे, इन्होंने जो जवाब हमें दिए हैं आप उनसे इत्तफाक करते हैं किसी जवाब पे? आप समझते हैं कि अभी कुछ इन्होंने पॉलिटिशियन है लेकिन जवाब सही दिए हैं और आई थिंक 99% ही इज बीन वेरी ऑनेस्ट अबाउट हिज आंसर एंड ही इज ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट। इमरान इस्माइल साहब ने डंडी नहीं मारी, डंडा मारा, गुड्डू मारा। इस लासा के इल्जाम और वकीले सिफाई की बातें, वकीले सिफाई के इल्जाम। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इमरान इस्माइल साहब ने सही कहा, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि इस्तगासा को उधर होना चाहिए और वकीले सिफाई को इधर होना चाहिए। ये मुझे एक जो है कद्दे आदम दिल नजर आते हैं जो पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। और बस सर, बाइज़ेट बरी करो, उसी जाइए। मैं पहले आपसे जो है वादा लूंगा कि हम आपको बाइज़ेट बरी करेंगे तो आप हमारी फेवर में ट्रेंड चलवाएं। बहुत दिनों आप जाने का वक्त आ गया। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज। और खुदा करे कि जो भी आप लोगों के एक्शंस हैं, जो भी आप लोगों के डिसीजंस हैं, वो हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए सही साबित हो। देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। टाइम हैज बीन अ विटनेस एंड टाइम हैज बीन अ हिस्टोरियन। जो पिछले 70 सालों में अच्छा या बुरा हुआ है, आज हम उसकी बदौलत यहां खड़े हैं। लेकिन हमारा मुल्क, हमारी आवाम, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारी औलाद आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जहां जाएगी,
वो उन तमाम एक्शन पर डिपेंड करता है जो आप आज लेंगे। हम दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं आप और तमाम पॉलिटिकल पार्टी आज एक अहद कर लें कि जो कुछ पीछे होता रहा उस पर तलखियां भुला के डिफरेंसेस निकाल के करप्शन एलिमेंट खासतौर पर खत्म करके मुल्क की बेहतरी के लिए करें। एंड वी होप believe and expect the same from you. Thank you very much sir. This is a small souvenir for you. This is a small souvenir for you. बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, खुदा हाफिज़। आज हम आपको छोड़ते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सर।